गाइस, तो कैसे हैं आप सब? ये हो कैसे हैं आप सब? बढ़िया, आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो हमें खबर मिली है कि हमारी रोड पे किसान आ रहे हैं, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। आपको सीधा जाते हैं, मिलते हैं वहाँ पे। अभी हम एक और दिन नया व्लॉग आ रहा था, वो अभी मतलब आगे बाद में आएगा, अभी ये वाला व्लॉग देखना। तो चलते हम सीधा बाहर, रोड पे मिलेंगे आपसे। चलो बाय बाय। देख रहे हैं यहाँ पे किसान है, सामने आ रहे हैं, तो चलते आ रहे हैं। पीछे कौन ही रहे दोबारा? ये देखो शटर बंद करा दिए। मार्केट बंद कराइए, रास्ते में पूरी बंद कराते कराते आए हैं, और ये दिखाना चाहते हैं हम, पूरा भारत बंद है तो सबको सहयोग देना चाहिए। जो मोदी की तानाशाही है, ये मोदी को अपनी तानाशाही छोड़नी चाहिए। रावण में भी अकड़, रावण की भी अकड़ रही यहाँ पर, तो इसकी कहाँ रहेगी? इसलिए इसको इसको आप जाग जाना चाहिए, और किसानों के ये तीनों बिल वापस करके और अपने किसानों के हक में आना चाहिए। इसको आज पूरे दिन का कार्यक्रम क्या रहेगा आपका? पूरे दिन का कार्यक्रम यही रहेगा, सब दुकानें बंद कराएंगे हम, सब रोडों की जाके। अगर आप कहते हैं कि गवर्नमेंट तानाशाह है, तो आप अगर आप भी जबरदस्ती बंद करवा रहे हैं दुकानें, तो क्या ये भी तानाशाही है? हम हाथ जोड़ को, हम सबके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भी किसानों के और दुकान वालों ने साथ दिया, साथ दिया, साथ दिया, शासन ने भी हमारा साथ दिया, शासन ने हमें साथ दिया। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक एक करके अपनी बात रखें, इसलिए आप एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी आप बताएं, बोलिए जी आप क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि आज पूरे दिन का प्रोग्राम क्या रहेगा? पूरे दिन का प्रोग्राम ये रहेगा, हम ये पूरी मार्केट आज सारे दिन बंद कराएंगे, और इसके बाद कोई आगे की कार्रवाई कल के बारे में? कल के जो आज का हमारे किसान मोर्चा की तरफ से जो हमें ऑर्डर आया है, उसके आज पालना करेंगे। जो कल ऑर्डर आएगा उसके फिर कल देखेंगे। कोशिश किसकी? तानाशाही कब तक चलेगी? आज रावण रखना है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो रोड हो, और चाहे वो बाजार हो। आज हम लोगों ने एक शुरुआत की है, क्योंकि पिछले आज पूरे 4 महीने हो चुके हैं किसानों के इस आंदोलन को चलते हुए, पर आज तक फरीदाबाद सोया पड़ा था। फरीदाबाद में वो मूवमेंट नहीं थी, बट मेरे सारे भाइयों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग किसानों के साथ खड़े होकर इस मूवमेंट का हिस्सा बनते हुए अपने यहाँ की मार्केट को बंद करवाएंगे। क्या लग रहा है कि फरीदाबाद जाग रहा है? 100% जाग रहा है। 4 महीने से लेकर आज तक, 26 नवंबर को चले थे, आज 26 मार्च है, इन 4 महीनों में फरीदाबाद की मूवमेंट देख लेना आप, डे बाय डे बढ़ रही है। और आने वाले समय के अंदर, माना किसान कम है पर जमीन नहीं, जमीन यहाँ के लोगों के हैं और जाग चुके हैं, और वो पूरी तरह से आने वाले। अभी दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे नौकरी पेशा लोग ज़्यादा है, यहाँ पे MP साहब हो गए, पुलिस पर दबाव बना रहे हैं, CP हो गया, वो यहाँ की पुलिस पर दबाव बना रहे हैं कि बाजार बंद नहीं होने चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। उनसे एक सवाल है कि जब आप लोग खड़े हो जाते हैं महंगाई के लिए, भारत बंद करने के लिए, क्या तब देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर नहीं होती? क्या इससे पहले BJP वालों ने भारत बंद नहीं किया? आज सिर्फ और सिर्फ हम ये कहें, किसी पार्टी की बात नहीं है, हर शख्स की बात है, हर थाली की बात है। और अन्नदाता आज अगर लड़ाई लड़ रहा है, जो काम विपक्ष ने करना था वो आज अन्नदाता कर रहा है, किसान कर रहा है। और हम सब लोग, चाहे जमीन नहीं है, जमीन है, आज अपने अन्नदाता किसान के साथ खड़े हैं। और ये सारे भाई आने वाले हर मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, और पुलिस बल का जो काम है क्राइम को रोकना, इनसे रिक्वेस्ट है आप जाके वो काम करें, क्योंकि प्रजातंत्र है, हमें अपनी बात कहने का हक है। कभी आप नज़रबंद करते हो, कभी आप कहते हैं मैं केस कर दो, कभी 307 कर दो। अगर पुलिस ऐसे केस करती है तो उसका मानना ये होगा कि ये लोग किसानों से डर के,
हम जैसे आम लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं। मैडम भैया, जो मूवमेंट आप चला रहे हैं, क्या लगता है आपको कि सरकार तक अभी तक जो असर नहीं पड़ रहा है, क्या सरकार पे असर पड़ेगा? अगर सरकार पे असर ना होता तो ये नजर घुमा के देखिए पुलिस बल यहाँ पे आता। इस पुलिस बल का काम है क्राइम को रोकना, जहाँ गलत हो उसके पास जाना, थाने में पता नहीं कितने लोग परेशान हो रहे होंगे, यहाँ पे खड़े होना नहीं है, क्योंकि हम कोई गुंडा तत्व नहीं है। हम लोग शांतिपूर्वक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ अगर आपको लगता है अन्नदाता के साथ खड़ा होना चाहिए, आप दुकानें बंद कीजिए। उन्होंने बिल्कुल साथ दिया, क्योंकि जितनी यहाँ पर दुकानें हैं, अगर अन्नदाता नहीं होगा तो ये दुकानें नहीं चलने वाली, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर वो ख़त्म तो ये दुकानें ख़त्म, इसीलिए यहाँ के लोगों ने हमें बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। पर ये प्रशासन लगातार हम पे दबाव बना रहा है और मुझे नहीं लगता है किसी को डरने वाला है। ये बेखौफ लोग हैं, क्योंकि हम गलत कर नहीं रहे, हम लोग वो काम कर रहे हैं जो काम विपक्ष को करना चाहिए। इसीलिए हम सबका तो एक ही नारा है, किसान एकता, किसान एकता, भाईचारा, नहीं डरे हैं, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं रुके हैं, नहीं रुकेंगे। और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, आज मेरे भाई खड़े हैं, हमें तो सिखाया ही गया है, सरखड़िया ते चढ़े आ रहे ते लाल चराए गए, खोपड़ियां लवाइयां, साढ़े दशमेश पिता ने ते इस हिंदू धर्म नु बचाने दे लिए अपना सरबत। जिन्होंने अपने चारों पुत्र वारते कौम पिछे, वो असी जो नहीं सा विश्वास है उन्होंने हाथ सिरते सिरते असी कभी ना डरे ना डरेंगे। अभी मोदी को साढ़े अगर हार मननी, अज नहीं मनेगा, छे महीने बाद मनेगा, ये मननी पड़ेगी उन्होंने, मना के जब तक मोदी हार नहीं मनेगा तो अभी जावे नहीं, यही यही काम साडा रहेगा। और जब तक किसानों की कॉल आएगी अभी जिते जावे उतो चलते रहेंगे। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, जिंदाबाद। पहले किया होता तो शायद बड़ी तादाद में होते, ये इस भाई की छोटी सी कॉल पे था, बहुत छोटी सी कॉल पे, कि जिस जिसको भी भाई ने फोन किया आज सुबह ही सब इकट्ठे हुए। मैं तो इस भाई का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। साढ़े नौ बजे फोन आया, चाहूंगा मैडम आप इनका परिचय बताएं कि कौन है ये। ये भाई हमारे राजा भाई हैं, यहीं के हैं, और इन्होंने आज का जो जितना भी काम है आज सारा क्रेडिट इस भाई को इसलिए जाता है कि इन्होंने जब हमें एक कॉल किया, हम सब लोग इनकी कॉल पे आए और आज इन्होंने ये बोला कि अब हम लोग किसानों की आवाज़ को दबने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसके लिए धन्यवाद के पात्र ये मेरे भाई हैं। आज किसान एकता, किसान एकता, जिंदाबाद। जैसे आपने देखा रोड पे अभी बहुत तगड़ा आंदोलन हो रहा था, तो अभी वो होएगा, तो अभी हम वो पूरा दिखाएंगे आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी हम कहीं जा रहे हैं, वहाँ से हम सीधा निकलेंगे अभी रोड पे और आपको पूरा दिखाएंगे, टेंशन मत लेना, आपको हम पूरा दिखाएंगे। बाय बाय। तो अब हम आ चुके हैं घर पे, तो जैसे आपने देखा रोड का पूरा आंदोलन, तो अब जैसे कि है किसान एकता जिंदाबाद, तो हमें भी साथ में खड़ा होना चाहिए, किसान एकता जिंदाबाद। किसान बहुत 300 किसान मर चुका है, लेकिन अभी तक मोदी जी को कुछ पता नहीं है, लेकिन सब पता भी होगा तो भी वो कुछ नहीं कर रहे, और हमें साथ देना चाहिए किसानों का। और आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, शेयर बहुत ज़्यादा करना इस वीडियो को, और करते हैं एंड। और ऐसी अगली वीडियो भी हम लेके आएंगे, मतलब कुछ भी होगा हम सारी वीडियो दिखाएंगे। अभी हम कहीं जा रहे हैं तो उसकी वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगी बहुत जल्दी जल्दी। चलो बाय बाय, आई सी यू बैक।